हेलो दोस्तों, आइए हम आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट और इसका जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सीरीज ऑफ नंबर्स है ना, जैसे 1, 3, 9 हम यदि देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अभी हम क्या इस पर रिलेशन हम देखते हैं कि T2 बाई T1 जो होता है वो 3/1, ये 3 हो गया, और T3 बाई T2 ये 9/3 है, तो ये भी 3 आ जा रहा है ना। तो इसे ही नेक्स्ट यदि टर्म हम देखते हैं 27, तो T4 हो गया, तो T4/T3 तो ये 27/9 दैट इज 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम है ना। तो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो यहाँ हम बोल सकते हैं जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो आर इज 3। तो कैसे निकालेंगे उसको, T2/T1, T3/T2, तो ऐसे हम हर एक चीज़ ऐसे रहेगा। तो इसलिए अभी हम यदि फर्स्ट टर्म को यदि हम देखें, फर्स्ट टर्म है 1 है ना, और सेकंड टर्म है हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करें तो R आता है। तो यदि 1 को यदि R से इंटू करें, सो T1 इंटू R करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर जो थर्ड टर्म है वो T2 इंटू R करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी T2 क्या है, T1 इंटू आर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे करके हम हर एक टर्म को रिलेट कर सकते हैं। तो यदि हम इस T3 इजिकल टू T1 आर स्क्वायर हम देखते हैं तो एक जनरल हम फार्मूला बना सकते हैं, Tn इजिकल टू T1 आर टू द पावर n माइनस 1। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, एक कम है। जैसे यहाँ T2 है, यहाँ 2-1 है, यहाँ 3-1 हो गया। तो उसी तरह हम ये जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो दिस इज द जनरल टर्म फॉर जीपी। सो nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू आर टू द पावर एन माइनस 1। तो ये है आपका थ्योरी, जो पहला जो है पॉइंट आपको समझने का ज़रूरत है। और जो पहला जो टर्म है उसको हम ए लिखते हैं, T1 इज इक्वल टू ए इजी करने के लिए। तो इसलिए हम Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो ये हमारा जो है जनरल टर्म हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हुए हम कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसी पैटर्न से एक क्वेश्चन आएगा और एक आपको फॉर्मूला याद करना हो, मैं इसके बाद बताऊँगा सेकेंड क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने फार्मूला क्या लिखा, जो nth टर्म है वो है ए आर एन माइनस 1। Tn क्या है, nth टर्म, a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो टू द पावर एन माइनस 1। तो ये आपका फार्मूला है। तो पहला फार्मूला ये आपको समझने की ज़रूरत है। अभी चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं। इसमें तो इसमें बोला है फोर्थ टर्म इज़ 10, तो T4 हो गया 10, T7 हो गया 80, और लास्ट टर्म इसका मतलब वो Tn हो गया 2560। मान लीजिए इसमें 30 टर्म्स है, सो 30th टर्म इज़ दिस, देन n इज इक्वल टू 30, लास्ट टर्म हो गया। ये कितने टर्म्स होंगे, वही लास्ट टर्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो T4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग a आर टू द पावर 4-1 दैट इज 10। तो ये ए आर क्यूब इज इक्वल टू 10, तो ये आप लिखिए पहले। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा T7 क्या लिखना पड़ेगा, a आर टू द पावर 7-1 दैट इज इक्वल टू 80। सो a आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 80। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपका। फिर इसमें क्या आ रहा है, Tn ए आर टू द पावर एन माइनस 1 दैट इज 2560। तो ए आर टू द पावर एन माइनस 1 इज 2560।
तो ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशन आ गए। अब ये तीन एक्सप्रेशन से हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म ए निकालना है, कॉमन रेशियो आर निकालना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स लाइक इज एन निकालना है। ठीक है, तीन वेरिएबल है हमारे पास, ए आर और एन। तो जो भी टर्म दिया रहेगा इस तरह से आपको सेटिंग करना है। ओके, अभी ये दोनों इक्वेशन से हम आर निकाल सकते हैं। आपको कुछ आइडिया पता चल रहा है, इसमें ए और आर क्यूब इंटू में है या ए इंटू आर सिक्स, यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली वन वेरिएबल विल बी लेफ्ट दैट इज आर, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो इसका पावर बड़ा है तो इसको वन ले लीजिए, इसको टू ले लीजिए, इसको थ्री ले लीजिए। सो डिवाइडिंग टू इक्वेशन टू बाय वन, तो क्या आ जाएगा आपका ए आर टू द पावर सिक्स ए आर क्यूब इज इक्वल टू 80/10। तो ए कैंसिल कर दीजिए, फिर यहाँ आर क्यूब है या आर सिक्स है तो थ्री आर बच जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8, आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो आर इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आर हमारे पास आ गया फर्स्ट आंसर, आप ऐसे कॉमन रेशियो हमारे पास आ गया। अभी फ्रॉम अभी आर हमारे पास में है तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम ले लेते हैं। इक्वेशन वन में ए आर क्यूब 10, तो ए आपको निकालना है, आर मिल गया 10, सो ए इज इक्वल टू 10/8, सो ए 5/4 कर दीजिए। देखिए ए भी आ गया, सो ए इज 5/4, तो इसमें आंसर हमको मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया। अभी एन निकालना, अभी एन निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पर ए आर टू दी पर एन माइनस वन है, तो तीन वेरिएबल इसमें, तो दो हमको मिला है, तो थर्ड हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू आपको मिला है इसमें पुट कर दीजिए। सो फ्रॉम थ्री आपको लिखना है, ए हो गया 5/4, आर हो गया 2, एन माइनस वन 2/5/6/0, फिर 2^n-1 एन माइनस वन, इसको ऐसे रखिए, इसको आप उधर लेके जाइए, ट्रांसफॉर्म कीजिए 2/5/6/0 इंटू 4/5, 2^n-1, इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 5/1/12, सो 2048। तो अभी ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अभी आप यहाँ पर एक मैथमेटिकल आइडिया देख सकते हैं, 2 के पावर में n है और n निकालना है, इसका मतलब अभी हमको भी ये जो 2048 है 2048, इसको हमको पावर ऑफ 2 में एक्सप्रेस करना है। तो जब हम पावर ऑफ 2 में एक्सप्रेस करेंगे तो बेसिस सेम हो जाएगा, तो पावर हम कंपेयर कर सकते हैं, तब n का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 2048 आप फैक्टराइज कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना ये सब फैक्टराइज करने, है ना। तो चलिए, सो 2 से ही हम डिवाइड करते जाएंगे, 1024 512 256 128 264 232 216 28 24 22, तो बढ़िया तरीके से हमारा आ गया। तो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। सो 2^n-1 इज इक्वल टू 2^11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका इस दैट वी हैव एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2, क्यों, क्योंकि n इज देयर इन द पावर ऑफ 2। तो अभी कंपेयरिंग द बेसिस, अभी वी कैन कंपेयर द पावर ऑल्सो, दे विल बी इक्वल, देन n इज